राजस्थान के अलवर में एक बार फिर मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आई है। गौरक्षकों ने गौतस्करी के आरोप में अकबर खान नाम के एक शख्स की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि यह वही इलाका है जहां पिछले साल पहलू खान की भी हत्या की गई थी। मॉब लिंचिंग की भेंट चढ़ा एक और शख्स, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ाई धज्जियां, गौतस्करी के शक में पीट पीट कर ली जान। राजस्थान के अलवर में अकबर खान की हत्या, जी हां, देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की वारदातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को साफ आदेश है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए मॉब लिंचिंग की भेंट एक और शख्स को चढ़ा दिया गया। मामला राजस्थान के अलवर का है जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव में अकबर नाम के शख्स की गौतस्करी के आरोप में पीट पीट कर जान ले ली। बताया जा रहा है कि गौरक्षकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घर तो ही बकरान के लिए आ जाता था सुबह ही, और हम कुछ सुबह 8 बजे पता पड़ो। किसने फोन किया आपको? थानेदार ने करा जी, थानेदार जी ने फोन किया। हाँ, क्या मानते हैं इसकी मौत हो गई है? मान रहे हैं पिटाई करी है इनकी, इससे मौत हुई है? कोई साथ भी था इसके? हाँ, एक छोर और हो तो भंगो। हरियाणा के कुल गांव का रहने वाला था मृतक। दो गायों को लेकर जा रहा था अकबर खान। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक भीड़तंत्र के भेंट चढ़ गया अकबर खान हरियाणा के कुल गांव का रहने वाला था और घटना के समय उसके पास दो गाय थी, जिसके चलते कुछ लोगों को उस पर गौतस्करी का शक हो गया और उन्होंने अकबर खान को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि गायों को गौशाला में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। 12:50 के आसपास पुलिस के पास फोन आया था कि साहब कोई गौ तस्कर हैं और जिनको कुछ लोगों ने घेर रखा है, उनके साथ मारपीट की गई है। तो यहाँ से थाने का जाब्ता वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक आदमी घायल अवस्था में मिला और दो गायें थी वहाँ। उसके बाद उन गायों को सुधा सागर गौशाला के अंदर भेजा गया और वो जो आदमी था घायल अवस्था में उसको लाया गया। रास्ते में पूछताछ में उसने अपना नाम अक्रम बताया, जो जिला फिरोजपुर हरियाणा का रहने वाला है, और बाद में जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो उसकी डेथ डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसकी बॉडी को लेकर रवाना कर दिया गया है अपने पोस्टमार्टम के लिए, और कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसके साथ मारपीट की उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। संसद में उठ चुका है मॉब लिंचिंग का मुद्दा। शुक्रवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जताई थी चिंता, राज्य सरकारों को दिए थे प्रभावी कदम उठाने के निर्देश। चंद घंटों के बाद ही घट गई एक और वारदात। मामले पर अब राजनीति भी हुई शुरू। बता दें कि संसद के मौजूदा मॉनसून सेशन में भी मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठ चुका है। इस पर शुक्रवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में चिंता जताते हुए राज्यों को सरकारों को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की बात कही थी, लेकिन इसके चंद घंटे बाद ही मॉब लिंचिंग की ये वारदात सामने आई है। हालांकि अब इस मामले को लेकर राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम बातें सामने आ रही हैं। कल गृहमंत्री जी ने सदन में लोकसभा में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्थान में इस प्रकार की मॉब लिंचिंग की जो घटना पहली बार नहीं हुई है, इसको रोकने के लिए क्या किया गया है? बहुत निंदनीय ये अपराध है और मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार अब लगभग हाथ खड़े कर चुकी है और वो जानबूझ के असामाजिक तत्वों को कहीं ना कहीं पनपने का मौका दे रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी चाहती तो समय रहते लोगों को सावधान करती। अलवर में बीते साल भी हुई थी मॉब लिंचिंग की वारदात। अप्रैल 2017 में पहलू खान के गौरक्षकों ने ली थी जान। आखिर देश में कब रुकेगी मॉब लिंचिंग की वारदात? अलवर के जिस इलाके में अकबर खान को मौत के घाट उतारा गया, बीते साल भी इसी इलाके में मॉब लिंचिंग की वारदात हुई थी। उस वक्त गौरक्षकों की भीड़ ने गौतस्करी के शक में 55 साल के पहलू खान की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। जिस समय पहलू खान पर हमला किया गया, उस दौरान वो राजस्थान से गाय खरीद कर हरियाणा जा रहे थे। हमले के 2 दिन बाद पहलू खान की मौत हो गई थी। हालांकि पहलू खान की मौत को लेकर देश में आज भी गुस्सा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी वारदातों में कोई कमी नहीं आई और आए दिन देश के किसी न किसी कोने में इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। पीएम मोदी खुद मॉब लिंचिंग की वारदातों को लेकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों की आलोचना कर चुके हैं,
लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ आलोचना करने या चिंता जताने से ऐसी वारदातें रुक जाएंगी? ऐसा लगता तो नहीं है। ऐसे में देश यही पूछ रहा है कि आखिर मॉब लिंचिंग की वारदातें कब रुकेंगी? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि केंद्र सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए? नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। मेवात के कोलगांव का रहने वाला एक शख्स की गौतस्करी के आरोप में लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना अलवर के लालवंडी गांव की है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर पीड़ित परिवार ने दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। लोकतंत्र पर भारी पड़ रहा है भीड़तंत्र। मॉब लिंचिंग ने ली एक और जान। दुधारू गाय ले जा रहे शख्स की हत्या। भीड़ ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मेवात के कोलगांव का रहने वाला था मृतक। गौ तस्करी की आड़ में कब तक होंगी हत्याएं? गौ तस्करी के आरोप में लोगों ने एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक अकबर खान हरियाणा में मेवात के कोलगांव का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक अकबर खान अपने दोस्त असलम के साथ दो दुधारू गाय और बछड़ा लेकर आ रहा था कि तभी चार हथियारबंद लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर असलम तो किसी तरह से बच गया, लेकिन भीड़तंत्र ने अकबर को मौत के घाट उतार कर ही दम लिया। खानपुर गांव से ला रहे जी, 15 दिन पहले ब्याई जी और 60,000 की जी पीने के लिए दूध पीने के लिए ला रहे थी। वो मेरा मिलने वाला दोस्त है, तो गांव का ही जो मरन हार है जी। आपको साथ पीने दूध पीने के लिए ला रहे जी, तड़वाने गए जी, उसके संग मिलने वाला दोस्त है जी, चला गया जी। मैं कल कौन से गांव के पास यह हादसा हुआ है? पता नहीं जी, मैं पहली बार गया जी, मेरे को मालूम नहीं, मैं रास्ता नहीं देखा ना गांव देखा जी। कि कार्रवाई यह होनी चाहिए जी, उन पर रोक लगानी चाहिए जी और उन पर जी जुलम करो जी। ब्याह गान ने ना ला रहा जी, ना लान दे रहा जी, फिर क्या बताओ जी, बच्चों के लिए क्या दूध पिलाएं जी। मेवात के कोलगांव के रहने वाले अकबर और असलम राजस्थान के अलवर जिले के खानपुर गांव से अकबर के साथ गाय और बछड़ा लेकर आ रहे थे। रास्ते में अचानक गाय छुटकर भाग गई। वो गाय पकड़ने गए तो चार हथियारबंद लोगों ने उन दोनों की पिटाई शुरू कर दी। इस हत्याकांड के बाद अकबर के घर और गांव में मातम का माहौल है। परिजन और गाँव वालों ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए दोषियों को फांसी की मांग की है। ये लड़का गया था, इसके 6-7 लड़का बच्चा है और ये पहाड़ में काम करता है। ये पहाड़ में काम करता है तो यानी बोली कि अपन बच्चा के दूध गाय ले आऊं, तो दिन में तो गाय को निकल नहीं देते हैं, कोई भी नहीं निकल देता। तो ये बेचारा रात में ला रहा और ये रात में मार के 2-3 गाँव। ये कहना चाहते हैं अगर हमारे लिए न्याय मिले और गवर्नमेंट यहाँ पे कानून कार्रवाई करे। मेरे पति बड़कन के लिए गाय लेने को गया दूध के लिए, हाँ। और उनको सजा देनी चाहिए। फांसी को हुक्म दे दो। अलवर में हुई मॉब लिंचिंग की इस घटना से जनता में आक्रोश है। तमाम राजनीतिक दल इस घटना की निंदा कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मॉब लिंचिंग का शिकार हुए अकबर के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा और उनकी गुजर बसर कैसे होगी? टोटल न्यूज के लिए मेवात से कासिम खान की रिपोर्ट।